हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर सीनियर फैकल्टी एट अभी मन आई है से वेरी वोम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे यू you नो know, हमारा पी वाई क्यू डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट ट्वेंटी 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 का पहला एक सेशन हमारा जा चुका है राइट ये हमारा सेकेंड सेशन है ट्वेंटी ट्वेंटी का राइट तो उसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन तो खैर कम डिस्कस किए थे बट हाँ उसमें हमने बहुत डिटेल फॉर्म में टॉपिक्स को समझा था तो बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट हम फिर से अपने एमसी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ठीक है तो पहला पीवाई आपके सामने है स्टूडेंट ठीक है जी तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कहता क्या था आईसीड नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी जीन थेरेपी के लिए यहाँ पे नेशनल गाइडलाइंस उन्होंने यहाँ पे यू नो पब्लिश की हैं डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेक्ट करेक्ट पूछा है अबाउट जीन थेरेपी जीन थेरेपी के बारे में उन्होंने पूछा है स्टूडेंट तो पहला ऑप्शन कहता है इट इज डिफाइंड एज एनी बायोलॉजिकल एंटिटी हैविंग द रिक्वायर्ड जीन दैट कुड इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशन इन द जीनोम फॉर द थेरापिटिक बेनिफिट पहला ऑप्शन हमारा ये है फिर हमारा सेकंड ऑप्शन है कहता है जीटीपी वर्क जीटीपी वर्क बाय द रिपेयरिंग रिप्लेसिंग और डीएक्टिवेटिंग डिसफंक्शनल एंड डिजीज कॉजिंग जीन टू रीस्टोर नॉर्मल फंक्शन थर्ड ऑप्शन कहता है एज पर न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल रूल्स द जी टी पी फॉल्स अंडर द न्यू ड्रग एंड शेल ऑलवेज बी डीम्ड एज द न्यू ड्रग डी ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट हमारा जो डी ऑप्शन है दैट इज अवर थैलेसेमा गौर्स डिजीज सिक्किल सेल अनिमिया एंड हिमोफीलिया फॉल अंडर जेनेटिकल इन डिजीज कैटेगरी अच्छा अब ये पूछता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है तो सी हेयर स्टूडेंट अगर आप पहला ऑप्शन देखो ठीक है ये क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व होगा स्टूडेंट जब आपको ये पता हो कि जीन थेरेपी है क्या अगर आपको जीन थेरेपी पता है तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये आप कर ले जाओ जीन थेरेपी का मतलब क्या है स्टूडेंट सबसे पहले तो जीन समझो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डीएनए के बारे में बताया था कि डीएनए होता क्या है तो सीहर स्टूडेंट जो हमारा डी डीएनए है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर है और कोड का मेन काम होता है स्टूडेंट प्रोटीन की सिंथेसिस करना हमारी बॉडी में जो भी चीज बन रही है वो किससे बन रही है स्टूडेंट प्रोटीन से बन रही है है ना प्रोटीन से बन रही है यहाँ पे तो प्रोटीन पर उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके बालों का कलर जो है ठीक है आपके बालों में कौन सा प्रोटीन होता है कैरेटीन आपकी स्किन में कौन सा प्रोटीन बनता है जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर जो है वो डार्क और फेयर या फिर आपका कॉम्प्लेक्शन डिसाइड होता है दैट इज मेलानिन राइट ओके तो सेम चीज स्टूडेंट जो भी हमारा यहाँ पे यू नो डी है अगर मैं पूरे डीएनए की बात करूँ मान लो उसकी लेंथ इतनी है हाइपोथेटिकली वैसे तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है तो स्टूडेंट सारे सेगमेंट डीएनए के प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेंगे कुछ कुछ सेगमेंट होंगे डीएनए के अंदर जो जो फंक्शनल यू नो जो फंक्शनल होंगे जो किसी कोड के लिए यहाँ पे कॉडिफाई जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करेंगे अदरवाइज हमारे डीएनए का ज़्यादातर जो हिस्सा है जो पार्ट है जो सेगमेंट्स हैं वो नॉन फंक्शनल हैं मतलब कि वो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते ये बात आपको क्लियर हुई फॉर एग्जाम्पल इतना जो डीएनए का सेगमेंट है ये एक किसी प्रोटीन के लिए कोड करते फिर इतना जो सेगमेंट है ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता तो स्टूडेंट जो पार्ट जो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो सेगमेंट ऑफ डीएनए किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए अगर वो कोड करता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट उसी पार्ट को हम बोलते हैं जीन तो जीन क्या है स्टूडेंट जीन एक ऐसा हमारा डीएनए का एक ऐसा जगह अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो जी जीन क्या है एक डीएनए का ऐसा सेगमेंट स्टूडेंट जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है इट मीन इट मीन्स इट इज़ फंक्शनल पार्ट इट इज़ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ दैट डी एन ए राइट उसी को हम जीन कहते हैं स्टूडेंट उसी को हम क्या कहते हैं जीन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके अंदर कोई डिफेक्ट है आपके अंदर कोई डिफेक्ट है मान लो आपके बालों के अंदर कैरेटीन प्रोटीन बनना बिल्कुल बंद हो गया है मतलब कि आपके बालों में कैरेटीन है ही नहीं तो उस डिजीज को अगर हमें सही करना है अगर हमें सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा जीन को टारगेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जो हमारा डीएनए के अंदर जीन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा टारगेट करना पड़ेगा उस डिजीज को हमें क्योर करने के लिए अदरवाइज वो डिजीज यहाँ पे क्योर नहीं होगी और अगर जब हम एक जीन को टारगेट करते हैं ठीक है तो उसी को स्टूडेंट हम जीन थेरेपी कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं जीन थेरेपी कहते हैं ठीक है थीके? तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज लाइक सिकल सेल सेल एनीमिया है हीमोफीलिया है ठीक है ऐसी डिजीज स्टूडेंट जो जेनेटिकली आपके अंदर होती हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ है वो क्या है कि आपके अंदर जो आर सेल जो बनती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है उसका शेप जो होता है वो एबनॉर्मल होता है वैसे उसका जो शेप होता है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके का होता है राउंड शेप होता है आर का बट जो जेनेटिकल मॉडिफाई होती है वो कुछ इस तरीके से होती है ठीक है तो सिकिल की तरह होती है स्टूडेंट सो दैट्स वाई ये जो डिजीज है ये आपके अंदर इनहेरिटेडली होती है मतलब कि आपको ये बचपन से होती है ऐसा नहीं है कि किसी एज के टाइम पे आपको हुई ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम ये डिजीज आपको कॉज हुई नहीं है, ऐसा नहीं है जेनेटिकली आपको आपके अंदर आर सही नहीं बन रही आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चों के अंदर जेनेटिकली उनमें बाय बर्थ ही कोई डिफेक्ट होता है तो उस डिफेक्ट को अगर हम ठीक तभी कर सकते हैं जब हम जीन थेरेपी करेंगे मतलब कि उसका जीन चेंज करेंगे ऑब्वियसली स्टूडेंट सिंपल बात है कि अगर आपने डीएनए चेंज कर दिया डीएनए को अगर आपने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे जीन को मॉडिफाई कर दिया तो उससे बनने वाला प्रोटीन जो होगा वो भी सही प्रोड्यूस होगा ये सुर लो मान लो आपने अंदर जाके जीन को चेंज कर दिया जो आपके बालों के कैरेटीन प्रोटीन को बना रहा है तो अगर आपने वो जीन ही सही कर दिया तो आपके बालों में कैरेटीन फिर से बनना शुरू हो जाएगा ये सुर लो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है यह बात आपको ठीक है आई होप ये बात ये अच्छे से क्लियर होगी होगी तो पहला क्या है ऑप्शन देखिए दोबारा से पढ़ते हैं कहता है इट इज डिफाइंड एज एनी बायोलॉजिकल एंटिटी हैविंग द रिक्वायर्ड जीन दैट कुड बी इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशन बिल्कुल सही है हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है दूसरा कहता है जीटीपी वर्क बाय रिपेयरिंग रिप्लेसिंग एंड डीएक्टिवेटिंग डिसफंक्शनल डिजीज कॉजिंग जीन इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर

तो कोई भी मेथड आप यूज करो स्टूडेंट इससे आपकी डिजीज क्या होगी ठीक होगी वही चीज है जीटीपी वर्क बाय रिपेयरिंग रिप्लेसिंग या तो आप उसको रिपेयर करो या उसको रिप्लेस करो या उसको आप डीएक्टिवेट कर दो डिसफंक्शनल मतलब कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लगे या मान लो कि आपके अंदर कुछ ऐसा बनना शुरू हो गया ठीक है जो आपके लिए सही नहीं है ठीक है आपकी बॉडी को वो डैमेज कर रहे हैं और अगर मान लो हम उस चीज को डीएक्टिवेट कर दे वो तो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है अगर मान लो वो को टॉक्सिक बना रहे है, मैं उसके जीन को साइलेंट कर दूँ, उस जीन को डीएक्टिवेट कर दूँ, तो उसके अंदर वो जो पर्टिकुलर बनने वाला टॉक्सिक है वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा या सुनो तो डिसफंक्शनल डिजीज कॉजिंग जीन्स टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन तो सेकेंड स्टेट में भी हमारी सही होगी तो थर्ड देखते हैं कहता है एज पर द न्यू ड्रग्स क्लिनिकल ट्रायल ठीक है जी टी पी फॉल्स अंडर द न्यू ड्रग एंड शेल ऑलवेज बी डीम्ड एज द न्यू ड्रग अच्छा फिर थर्ड है कहता है कहता है थेलेमिया सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया फॉल अंडर द जेनेटिकल इनहेरिटेज डिजीज़ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा ये भी बिल्कुल करेक्ट है तो ऑप्शन क्या बनेगा बच्चे देखो यहाँ पे तो ऑप्शन बनेगा हमारे पास सारे सही है है ना सारे सही है बच्चे तो सारे सही ऑप्शन तो हमारा डी ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा 2020 थाउजेंड में स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी आए थे ठीक है तो मे भी आपको थोड़ी इशू आ रही हो ठीक है जब स्क्रीन ऊपर नीचे रोल कर रही हूँ तो मे भी आपको दिक्कत आ रही हो तो स्टूडेंट आप ऐसे करना जब मैं पढ़ा रही हूँ तो साथ के साथ आप ऐसे करो पेपर डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके या तो आप उसको किसी अदर लैपटॉप में या मोबाइल में उसको खोल के रख लो या फिर उसकी करवा लो फोटो स्टेट तो जब जब मैं पढ़ा रही हूँ जिस तरीके से स्टेटमेंट्स मैं कर रही हूँ उसको आप टिक करते जाओ साथ के साथ उसको आप पढ़ते जाओ अपनी हार्ड कॉपी से ठीक है जी ओके सो प्लीज़ स्टूडेंट ऐसे मुझे ब्लेम मत लगाना ठीक है कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आया आपने ऊपर कर दिया हम पढ़ते ही रह गए हमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो स्टूडेंट ठीक है ये मैं नहीं कर पाती कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उसको हैंडल नहीं मतलब उसको ऐसा ही करना पड़ता है ठीक है आप प्लीज़ जो है अपने पास हार्ड कॉपी या फिर किसी और स्क्रीन में अपनी क्वेश्चन पेपर आप खोल के ओपन करके जरूर रखना ठीक है जी ओके लेट्स मूव फर्दर हाँ जी सिक्स नंबर क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट सिक्स नंबर क्वेश्चन पढ़ो हाँ जी तो so, क्या कहते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे कहता द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेंशन द मेगा प्लान ऑफ वन सन

वन वर्ड वन ग्रिड एक प्रोजेक्ट चलाया इंडिया ने इंडिपेंडेंस वाले दिन तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है आपको क्या चीज है ये ठीक है उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट ठीक है तो इससे ये भी समझ में आता होगा करंट अफेयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके तो क्वेश्चन पढ़ते अच्छा पहला ऑप्शन पढ़ो कहता है इट इज ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलार पावर प्रोजेक्ट दूसरा कहता है द आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट वाज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन टू थाउजेंड एटीन ड्यूरिंग द फस्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस थर्ड ऑप्शन कहते हैं कहता द चाइना वाज द ओनली मैंबर कहता है द चाइना वाज द ओनली मैंबर एक चाइना वाज द ओनली मैंबर कंट्री टू रजिस्ट दिस प्रपोजल ड्यूरिंग आई एस सी मीटिंग कहता चाइना ने इस एक, एक मातर कंट्री थी जिसने उसको रजिस्ट किया इस प्रपोजल को ड्यूरिंग आई मीटिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस मीटिंग ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है स्टूडेंट आपको तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारा वन एंड टू क्योंकि चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था उस टाइम पे ठीक है अच्छा प्रोजेक्ट है क्या ये चीज उसको समझते हैं तो सीयर स्टूडेंट जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें है क्या स्टूडेंटूडेंट ये हमारी अर्थ है तो ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है यहाँ पे क्या है हमारे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की क्या पड़ती है डायरेक्ट रेस पड़ती है स्टूडेंट सन की क्या पड़ती है डायरेक्ट रेज पड़ती है इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है ना इस जगह पे इस जगह पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा सनलाइट की वजह से यहाँ पे सोलार एनर्जी को सोलार एनर्जी को हार्नेस करना बहुत ही ज्यादा क्या है बेनिफिशियल है तो स्टूडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसी के ऊपर क्या किया है एक प्लान बनाया है कि हमारे पास एक ही सन है तो क्यों ना एक ही वर्ड है पूरा एक ही वर्ड है कोई ऐसा तो है नहीं कि दो वर्ड है तो क्यों ना स्टूडेंट्स हम सन एनर्जी को यूटिलाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और एक ग्रिड सिस्टम बनाए मतलब कि ग्रिड सिस्टम समझते हो ना आप लोग ठीक है मतलब कि पूरी कंट्रीज के अंदर ठीक है बाउंड्रीज नहीं वो uh, मैटर करती ठीक है जितनी भी कंट्रीज है जैसे हमारी इंडिया है इंडिया के साथ पाकिस्तान लाई करती है पाकिस्तान के साथ आगे ईरान है इधर वाली साइड म्यांमार है तो सारे कंट्रीज का ग्रिड सिस्टम जो है वो एक ही कर दिया जाए सो so दैट मान लो इंडिया के अंदर सरप्लस यू नो हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हम पाकिस्तान को सप्लाई कर दे पाकिस्तान वाले अगर हमारे यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी तो पाकिस्तान वाले हमें सप्लाई कर दे तो एक ग्रिड सिस्टम बना लेते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉर्टेज है वो बिल्कुल क्या हो जाए मिनिमाइज हो जाए ठीक है क्योंकि एनर्जी तो हर कंट्री को चाहिए बच्चे है ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी हमें थोड़ी ना चाहिए पाकिस्तान वालों को भी चाहिए म्यांमार वालों को भी चाहिए आगे ईरान वालों को भी चाहिए सबको चाहिए अपने घर में लाइट ये सुन लो तो दैट्स वाई ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलार पावर है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही सही हो गया दूसरा देखो था द आइडिया प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2018 ड्यूरिंग द फर्स्ट असेंबली ऑफ नेशनल सोलर अलायंस ये भी बिल्कुल सही है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा वन एंड टू ठीक है जी ओके तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आओ क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट उसने करेक्ट पूछा सबसे पहले तो जब भी करेक्ट पूछा जाए तो क्या करना है क्या करना है स्टूडेंट उसको राउंड कर लेना है करेक्ट वाले को अच्छा अब बताओ। अब बताओ, कहता द काउंसिल विल बी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ सोशल इज ए स्टेचुटरी बॉडी फाउंड अंडर द ट्रांसनेशनल ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट टू दूसरा तीसरे नंबर पे कहता है स्टेटमेंट में कहता स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल्स फॉर ईच स्टेट विल बी सेटअप अंडर दिस एक्ट टू एड्रेस द ग्रीवेंसिज ऑफ ट्रांसजेंडर एट द ग्रास रूट लेवल अब आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है स्टूडेंट इसने तो बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट बताओ इसमें बच्चे बताओ करेक्ट स्टेटमेंट बताओ स्टूडेंट इसमें से हाँ जी बताना तो सारे स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा डी ठीक है ट्रांसजेंडर बिल पे आया था ना ये उस टाइम पे बिल आया था स्टूडेंट 2019 में तभी इन्होंने क्वेश्चन पुट कर लिया ठीक है करंट अफेयर का क्वेश्चन है है स्टूडेंट ठीक बहुत ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा ठीक है ओके क्वेश्चन okay. पढ़ते हैं कहता था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली पब्लिश द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ई नोटिफिकेशन ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा किसके ऊपर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ई आई नोटिफिकेशन ट्वेंटी ट्वेंटी पे क्वेश्चन है स्टूडेंट उस टाइम पे ये ड्राफ्ट आया था एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ई आई नोटिफिकेशन ठीक है स्टूडेंट बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था स्टूडेंट काफी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन था स्टेटमेंट पढ़ते कहता इट द अफेक्ट ऑफ द प्रपोजल it predicts the effect of a proposed industrial and infrastructure project on the environment it prevents the proposed activity from being approved without proper oversight or taking adverse consequences into the account it compares various alternative for a project and seeks to identify the one which represents the better combination of economic and environmental cost and benefit फोर्थ ऑप्शन कहता है कहता है एज पर द न्यू नोटिफिकेशन कोल एंड नॉन कोल मिनरल प्रोस्पेक्टिंग एंड सोलर फोटो प्रोजेक्ट डू नॉट नीड प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ठीक है तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन नहीं था ना स्टूडेंट वो हमारा थर्ड था कंपेरिजन इसमें नहीं करना था उसका जो करेक्ट ऑप्शन था ना स्टूडेंट वो था हमारा वन टू फोर मतलब कि डी डी इसका करेक्ट ऑप्शन था वन टू फोर सी हेयर आप मेरे से जरूर बोलोगे कि मैम इतने बड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे तो सी एयर स्टूडेंट करंट अफेयर की बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा यू नो इम्पॉर्टेंस है स्टूडेंट ये बात आप समझिए न्यूज पेपर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए स्टूडेंट आपका सी एयर स्टूडेंट अभी उसने ई आई ए पे क्वेश्चन पुट किया उसने पूरा पूरा बिल पे क्वेश्चन पुट कर लिया स्टूडेंट ड्राफ्ट पे इससे पहले हम देख कर आए कि डी एन ए बिल पे उसने क्वेश्चन पुट किया डीएनए बिल आया 2019 में उस पे उसने क्वेश्चन पुट किया तो स्टूडेंट सी एर स्टूडेंट पार्लियामेंट में अगर कोई इम्पॉर्टेंट कोई वर्डिक्ट आ रहा है ठीक है इम्पॉर्टेंट कोई वर्डिक्ट रही हूँ स्टूडेंट कोई लॉ पास हो रहा है ठीक है कोई ऐसी चीज है स्टूडेंट जो डायरेक्टली इंपेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को कोई ऐसी चीज जो हमारी सोसाइटी के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को जैसे हमने ट्रांसजेंडर का देखा है ना तो ऐसे में स्टूडेंट बात ये होती है कि आपको करंट अफेयर बहुत डिटेल फॉर्म में भरना पढ़ना पड़ता है कि हाँ जी इस पर इस जो हमारा बिल आया है या जो बिल हमारा बन चुका है लॉ या कोई ड्राफ्ट आया है उसका आपको सब पढ़ना पड़ेगा खास करके उसके इंपॉर्टेंट एक्स्पेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत होगा तो बेटर ये होता है स्टूडेंट कि ऐसे क्वेश्चन को ना या तो आप स्किप ही कर दो गलत मत करो उसको क्योंकि तो गलत तो होना है चारों स्टेटमेंट्स में आपको नहीं पता कि कौन सी गलत और कौन सी सही बिल है स्टूडेंट उसमें क्या क्या क्लॉज है आपने नहीं पढ़ा है ना आपने पढ़ा ही नहीं जब उस पर दिमाग ऐसे टाइम मत लगाओ दोनों चीजें वेस्ट मत करो बेटर है या तो आपको स्किप करके उसको आगे निकल जाओ अगर आता है तो अटैम्प्ट कर लो अदरवाइज लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स है पढ़ोगे एक मिनट के लिए सोचोगे टाइम जाएगा या तो कर लो या मत करो सीधी बात करो या ना करो ठीक है आता है आपने बिल पढ़ा है आपने कोई करंट अफेयर की मैगजीन में पढ़ा न्यूज़पेपर में पढ़ा आता है तो ठीक है वेल एंड गुड है नहीं आता तो छोड़ दो पहली बात तो स्टूडेंट आप करंट अफेयर के अंदर या आप मैगजीन के अंदर या आप न्यूज़पेपर के अंदर अगर किसी बिल के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लो और उसको थोड़ा नोट भी कर लो कि हाँ जी ये बिल आया है इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आप उठा लो बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो कि किसी को नहीं आता बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट कि सबको आता होगा सबको नहीं आता होगा नहीं बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो करंट अफेयर पढ़ के आए होंगे बहुत अच्छे से उनको ई आई ए ट्रांसजेंडर बिल ठीक है डी एन ए बिल उनको आते होंगे उन्होंने पढ़े होंगे पक्की बात है ठीक है ओके जी जैसे अभी ये थर्ड स्टेटमेंट आप सोच भी नहीं सकते कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है बट हुई क्योंकि उस बिल में नहीं है ऐसा कुछ आगे पढ़ते हैं कृष्णा पढ़ते हैं कहता है रिसेंटली डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन द कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी स्टूडेंट पहली बात तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी आपसे ठीक है इनकरेक्ट पूछी आपने अब बताइए कहता है रिसेंटली डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाई नीति आयोग इन कोलेबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट तो बताओ भाई पहला स्टेटमेंट कहता है कहता है इट एम्स टू डेवलप ए पाथवे टुअर्ड्स ए लो कार्बन ट्रांसपोर्ट ए लो कार्बन ट्रांसपोर्ट ए लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया ठीक है एक लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए इंडिया को इसका मेन पर्पस है ठीक है दूसरा देखते हैं कहता था प्रोजेक्ट विल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया एंड मोरक्को आर द पार्टिसिपेंट्स फॉर द डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनमी डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ तो बताओ जी इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनकरेक्ट पूछिए ठीक है जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए आपसे बताओ जी कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है ओके तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछे ना तो इंडिया अजरबैजान नाइजीरिया मोरक्को आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द डी कार्बनाइजिंग ये हमारा क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है ठीक है जी ये बात आपको समझ में आ गई ओके क्लियर है ठीक है जी तो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा ठीक है आज का लास्ट करते हैं इसके बाद का बाकी हम आगे करेंगे तो क्वेश्चन देखिए कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पे भी इसने करेक्ट पूछा स्टूडेंट आपसे इनकरेक्ट नहीं पूछा तो करेक्ट और इनकरेक्ट पे आप सर्कल कर लो क्वेश्चन पढ़ो कहता अन ऑप्शन पढ़ो कहता इट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग पहला ऑप्शन तो ये कहता है दूसरा कहता इट लेज आउट द एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू डिलीवर एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग फॉर ऑल अब इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी आप बताओ कौन सी होगी बताओ आपको नहीं लगता कि दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कूलिंग पे क्वेश्चन है स्टूडेंट तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पे हमारे करेक्ट हैं बोथ वन एंड टू क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो सही हैं क्योंकि यहाँ पे इको फ्रेंडली किसने बात की है इको फ्रेंडली जो ऑप्शन है वो हमारे दोनों ही है ठीक है ऐसे ऑप्शंस हमेशा सही होते हैं स्टूडेंट मान लो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए इकोलॉजी को सेव करने के लिए अगर आप कोई ऐसा सस्टेनेबल कोई भी ऐसा प्रोग्राम लेके आते जिसमें हो जिसमें इन्वायरमेंट को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है तो वो दोनों स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट से यू नो सही ही होती हैं सो दैट्स वाई हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा बोथ वन एंड टू ओके स्टूडेंट्स ठीक है जी ठीक है जी तो इसी के साथ ये सेशन हम करते हैं यहाँ पे ओवर थैंक यू थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे